बढ़ती कीमत से आप अगर परेशान हैं तो यकीन मानिए अब गोड्डा में इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटी और कार के चर्चे आपने सुने होंगे, लेकिन अब गोड्डा में इलेक्ट्रिक साइकिल है और वो मेरे हाथ में है, मैं उस पर बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ देखिए कि डिजिटल मीटर है और बैटरी का इंडिकेटर है, बता रहा है कि बैटरी कितना चार्ज है। इधर वो ऑन ऑफ स्विच है, तमाम वो चीज़ें हैं। और यकीन मानिए कि ये चलाने में बहुत ही आनंद लगता है और मेरी स्कूटी के बराबर ये स्पीड में भी चल रही थी जब मैं रोड सड़क पर चला रहा था। तो अब क्या क्या खूबी है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे और कहाँ से उपलब्ध होगा, कब तक उपलब्ध होगा गोड्डा में, क्योंकि ये जो है एक नायाब तरीका है पेट्रोल बचाने का। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उस वजह से अब जिस प्रकार से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहतर विकल्प होगा। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आपका बैटरी कहीं डाउन हो जाता है और आप अगर कहीं पूरा डाउन हो गया और आपका ये इंजन काम नहीं करने लग गया तो आप इसको पैडल मार के भी देखिए, मैनुअली जिस प्रकार से मैं पैडल मार रहा हूँ ये पैडल मार के भी आप चला सकते हैं। और ये इस साइकिल के जो मालिक हैं, खास करके उनसे हम आपको मिलाएंगे, ये एक शोरूम के मालिक हैं और इस साइकिल की शोरूम को जल्दी अपने शहर में ये लाने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। तमाम जो चीज़ें हैं हम उनसे सुनाएंगे कि क्या पूरा एक्सपीरियंस ले पाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने इस साइकिल को यूज़ किया है तो कितना बचत ये पूरे महीने का कर लेते हैं पेट्रोल का। क्योंकि खास चीज़ें जो है यहाँ पर देखिए कि बैटरी लगी हुई है और उतना ही बैटरी है जितना एक आपके कंप्यूटर की यूपीएस में लगी होती है, बस उतनी ही बड़ी बैटरी है। और 60 से 70 किलोमीटर का ये माइलेज देती है ये बैटरी, यानी कि एक बार चार्ज होती है तो 60 से 70 किलोमीटर ये चलती है, तो अच्छा खासा पेट्रोल का जल्द बचत हो जाता होगा। भैया भैया से पहले मिलाइए, भैया का नाम अमरिंदर भैया है। भैया कब आपने इस साइकिल को लिया है और कितने आपने अभी तक बचत किए हैं अपने? ये साइकिल लिया हुआ लगभग मेरा 20 दिन के आसपास हो गया है, 15 दिन से हम इसको खुद यूज कर रहे हैं और लगभग हमारे को 2,000-2,500 के लगभग पेट्रोल हम खर्च करते थे बाइक पे, जो कि अब इस पे बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। मतलब इसी से आप पूरा बाजार घूम लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बाजार आसपास 5-10 किलोमीटर तक कहीं का भी हम बड़े आराम से इस पे घूमते हैं और बड़ा ही आरामदेह है, कोई इशू नहीं है। इसमें मोटर काफी हैवी लगा हुआ है, इसके अंदर कंट्रोलर प्लस बैटरी होता है। ये चार्ज जैसे अडॉप्टर, जैसे आप लैपटॉप चार्ज करते हैं वैसे ये अडॉप्टर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, ठीक जिस प्रकार से लैपटॉप चार्ज करते हैं वही पोर्ट है। और अडॉप्टर जो इसका है सिर्फ बस उतना ही साइज है जितना आपका लैपटॉप चार्जिंग का होता है। तो ये शानदार सवारी है, यहाँ पर मैं ट्रायल जरूर। बिल्कुल स्कूटी की तरह चलती है और आवाज़ जब इसका जो भी मोटर है यहाँ जब घूमता है तो आपको लगेगा कि आप टोटो पर बैठे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का साउंड है। और शॉकर वगैरह भी आप देखेंगे कि स्कूटी और बाइक की तरह दी हुई है। यहाँ पर देखिए ये ऑयल सील से अभी ऑयल निकलता, ऑयल आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये कंप्लीट एक पैकेज है जो आपका अच्छा खासा बचत करा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा विकल्प लोगों के लिए जरूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई की मार है और ताबड़तोड़ पेट्रोल के दाम बड़े हैं, उसके बाद अभी 5 रुपये घटे जरूर हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मार जो है भारतीय लोगों के, हमारे देश के लोगों के जेब पर पड़ रहा है। यहाँ पर सारे फंक्शंस दिए गए हैं, लाइट लगा सकते हैं आप, लाइट जलता भी है, आप इस फंक्शन करके लगा आप यहाँ पर लाइट लगा सकते हैं। मैनुअली का है, जैसे ये ऑन हो गया जी, ये यहाँ पर स्विच है, ये आप इसको ऑटोमेटिक करना है, यानी कि एक्सीलेटर पे करना है तो इसको ऑन कर देंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्सीलेटर यहाँ पर काम करने लग जाएगा। अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो ये मैनुअली आप पैडल मार के भी आम साइकिल की तरह इसको चला सकते हैं, यानी कि अगर बैटरी कभी आपकी डाउन हो जाए तो आप पैडल मार के भी घर आ सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक में सुविधा नहीं है, जहाँ पर बैटरी लो हो जाएगी आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा और वहाँ चार्जर और एडाप्टर ढूंढना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है जो कि गोड्डा में ये पहली साइकिल जरूर होगी। क्या मैं मिलेगा? अभी तो हमने देखा नहीं है किसी के पास, गोड्डा शहर में ये मतलब पहली साइकिल है और काफ़ी बचत इनको हुआ है। तो कब तक ये लॉन्च कर रहे हैं आप गोड्डा में, आप कब इसकी शॉप को? मेरा 15 से 15 दिन के अंदर में एटलीस्ट हम ये लॉन्च करेंगे, साथ में स्कूटी वगैरह भी लॉन्च करेंगे। तो इसकी सबसे जो अहम बात है जो लोगों को जाननी चाहिए और लोग सोच रहे होंगे कि मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक इसका दाम हमने क्यों नहीं बताया, प्राइस क्यों नहीं बताया, तो इसका क्या प्राइस क्या पड़ता है, आपने कितने में खरीदा है इसको? अप्रोक्स 32 के आसपास का आएगा, यानी कि 32,000।
32 से 35,000 के बीच का आएगा, उसमें कुछ मॉडल होंगे जो डिफरेंट मॉडल होंगे, जैसे उसमें सॉकर वाला, अगर बीच में सॉकर वाला चाहिए तो उसका थोड़ा 2-3 हज़ार यानी कि अलग अलग वेरिएशन में होंगे, 32 से 35 के रेंज में आएगा। तो आप समझ लीजिए कि 30-35 हज़ार वो पैसे हैं जो आप इस साल में कहीं उससे ज्यादा का पेट्रोल आप जला देते हैं, और कम से कम 6 महीने में इतना पैसा का पेट्रोल आप जरूर जला देंगे जितने में ये साइकिल आ जाएगी। अच्छा, इसका बैटरी खत्म होगा तो कितने दिन में कितना दिन चलेगा, लाइफ क्या है बैटरी इसका? लिथियम बैटरी होता है, 2 ईयर्स का वारंटी होता है इसका, 2 साल का चलता, 3 ईयर तक है लिथियम जैसे, यानी कि 3 साल में बैटरी को मुझे बदलना होगा तो इस बैटरी में क्या खर्चा आएगा? अप्रोक्स 7,000 का, 7,000 यानी कि 3 साल में 7,000 हमें इसमें खर्च करने होंगे। जैसे लैपटॉप का बैटरी चेंज होता है उसी तरीके से इसका भी बैटरी, मतलब यूपीएस वाली बैटरी इसमें लगी हुई है। तो दमदार बैटरी है, दमदार पावर है, और कम से कम 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से जरूर भी भाग रही थी जब मैं चला रहा था इसको। उसमें 3 गियर भी हैं, और 3 गियर हैं, आप गियर मोड चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ठीक है। जैसे आप मोड ऑन करते हैं ये 3 गियर है, एक लो है, मीडियम है और हाई है, यानी कि ये स्पीड चलेगी हाई में और तो शानदार जरूर ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इस साइकिल को देखा, और टेस्ट ड्राइव अगर लेना हो तो चेरा मोटर्स दुमुही चौक के ठीक पहले है, तो इसका टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हैं, अमरिंदर व्यास आकर के मिल सकते हैं और ये टेस्ट ड्राइव आपको करवाएंगे, क्योंकि ये इस कंपनी की साइकिल ये लॉन्च करने वाले हैं और ये काफ़ी शानदार साइकिल है। अगर आपको साइकिलिंग भी करनी है, अगर 10-20 किलोमीटर साइकिलिंग का भी शौक रखते हैं तो मैनुअली इसका साइकिलिंग करें, और थक कर कहीं बहुत दूर अगर चले जाएं आप, गोड्डा से पोड़ैया हाट तक का सफर तय कर लें, या फिर रामगढ़ रोड से आप अगिया मोड़ तक का सफर तय कर लें, तो वहां से आराम से इसे ऑटोमेटिक करके आप धीमी चाल में, गति में, 20 के स्पीड में आप आराम से वहां से स्कूटी की तरह चलाते हुए इसे वापस आ सकते हैं। तो ये शानदार साइकिल है, आप भी सोचिए इस विषय में, हम भी सोचते हैं। तो तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप।